अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पाकिस्तान के मुबशर खान ने आज शानदार और धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे के खिलाफ 115 रन की शानदार इनिंग्स के लिए 115 रन बनाए, 77 गेंदों का किया था सामना, 8 छक्के और 6 चौके लगाने में कामयाब रहे। पाकिस्तान मैच तो हार गया, लेकिन मुबशर खान की आज तारीखी बैटिंग की वजह से पाकिस्तान 385 रन के जवाब में 353 रन बनाने में कामयाब रहा और यूं पाकिस्तान को 32 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। जिम्बाब्वे 4-2 से सीरीज भी अपने नाम कर गया। इससे पहले पाकिस्तान ने टेस्ट सीरीज जरूर जीती थी जिम्बाब्वे से, लेकिन वनडे सीरीज में पाकिस्तानी शहीन जिम्बाब्वे के खिलाफ 4-2 से ये सीरीज हार गए। बॉलिंग की बात करें तो पाकिस्तान की जानब से अमर जुमा ने 10 ओवर में 89 रन दिए, 2 विकेट हासिल की। शाहनवाज दानी ने आज 10 ओवर करवाए, एक मैडन ओवर जरूर फेंका लेकिन 105 रन दिए, विकेट हासिल ना कर सके। मोहम्मद रही ने पहले ही ओवर में पाकिस्तान को विकेट दिलाई क्योंकि पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया था। पहले ओवर में फैसले को दुरुस्त साबित किया मोहम्मद रही ने। कामरान गुलाम ने अच्छा कैच भी पकड़ा कप्तान ने, लेकिन उसके बाद पाकिस्तानी बॉलर्स के खिलाफ जिम्बाब्वे ने 385 रन बना दिए, जवाब में पाकिस्तानी टीम 353 रन बना सकी। दोस्तों, मुबशर खान ने धुआंधार बल्लेबाजी किया, रहील नज़ीर ने भी 87 रन बनाए थे। दोस्तों, पाकिस्तान की जानब से अमर जुमा ने 2 विकेट हासिल की जबकि मुबशर खान ने 115 रन बनाए थे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।